आज FM बैंड पर मुकाबला है फिलिप्स के RL384 चैंपियन रेडियो का रेडियो के T26 से रेडियो से, दोनों ही DSP चिप पर चलते हैं। जैसा कि मैंने कल के मीडियम वेव बैंड के कंपैरिजन वीडियो में बताया था, ये सिलिकन लैब्स के SI4825 DSP चिप पर चलता है और इसके DSP चिप का मुझे पता नहीं। इसकी ट्यूनिंग डिजिटल है, इसकी ट्यूनिंग एनालॉग है और FM पर जो फिलिप्स चैंपियन हम पहले भी देख चुके हैं बहुत धांसू है और राम रेडियो का रिसेप्शन भी मुझे अच्छा लगा है, तो आज इनका रिसेप्शन कंपैरिजन है। और राम हम इनके एंटेना को देख लेते हैं, तो देखिए रेडियो के एंटेना के मुकाबले चैंपियन का जो एंटेना है वो लगभग दो गुना हाइट का है। प्राय है कंपैरिजन वीडियो जो है मैं शाम को शूट करता हूँ, लेकिन आज सुबह शूट किया है और बैकग्राउंड में सन है। फ़ोन के कैमरा के लिए टफ होगा इस सिचुएशन को हैंडल करना, बट एनीवे सबसे पहले हम चलते हैं चैंपियन को। इसको काफ़ी स्लो ट्यून करना पड़ता है क्योंकि DSP चिप जो होती है उसकी ट्यूनिंग जो होती है, खासकर जो ये मैनुअल ट्यूनिंग होती है, वो थोड़ी सी टफ होती है। तो आपको कोई भी DSP चिप का रेडियो हो, आपको थोड़ा सा स्लो ट्यून करना होता है। जब आकाशवाणी के FM आ जाएंगे 100.1 MHz और उसके बाद वहाँ जाकर थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि वहाँ बहुत क्लोज हैं स्टेशन से एक दूसरे से। एनीवे चलते हैं। वैसे तो इनको थोड़ा टेढ़ा कर दे, एरियल को टेढ़ा कर दे, रेडियो को इधर उधर कर दे, तो ये और स्टेशन भी पकड़ लेते हैं, बट हम केवल ये चेक कर रहे हैं कि ये इसी पोजिशन में यहीं रखे रखे कितने स्टेशन से पकड़ सकते हैं। एक और बता दूं, जो स्टेशन मोस्टली पकड़ने हैं वो 90 से 180 किलोमीटर के दायरे में, उससे आगे भी हैं, उससे बाहर भी स्टेशन हैं। कार करे दो, तीन, चार। मेरा फेवरेट सॉन्ग इब्न बतूता। पांच, मंदिर में प्रभु का हुआ पसे। छः, सात। FM रिसेप्शन बहुत सॉलिड है इसका। और अब आकाशवाणी के स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आठ, नौ, ओके, बीच में टूं आया था, वो संभवतः इसी स्टेशन की मिस्टेक थी जो अब चल रहा है। नौ, सॉरी ये दसवां हो गया शायद। यहाँ मैं थोड़ा सा गिनती भूल गया हूँ, या तो नौ या तो दस। ओके, ये था वो। ग्यारह, बारह, 13, 89। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.14 15, और अब समय है
16 भक्त चरित्र का इस क्रम में आप सुन रहे हैं। सत्रह 18 19 20 उसके बारे में हम 21 जी हाँ क्यों प्रचलित 22 23 ऑलराइट 23 के आसपास एफएम स्टेशंस पकड़े हैं। अगर कोई गिनती में एक आध कमी भी हो गई होगी तो 22 या 24 इसके आसपास का आंकड़ा मानकर चलिए। और अब रेडियो को ट्यून करते हैं। इसकी ट्यूनिंग में क्योंकि हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले है तो थोड़ा सा आसानी रहने वाली है। एनीवे चलते हैं। शुरुआत की जो यूजुअल फ्रिक्वेंसीज पकड़ता है वो 91.9 और 91.1, लेकिन मैंने इस रेडियो में देखा है कभी कभी उन फ्रिक्वेंसीज को पकड़ने में स्ट्रगल करता है, शुरुआती फ्रिक्वेंसीज को पकड़ने में। आज देखते हैं क्या रहते हैं। स्ट्रगल कर रहा है, नहीं पकड़ा। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो बहुत ही टफ स्टार्ट था। पकड़ लिया एक, मैंने यहाँ नहीं पकड़ा, पकड़ना था। ये कोई इस रेडियो की इंटरनल प्रॉब्लम है, इस फ्रिक्वेंसी को क्यों नहीं पकड़ता, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। दो तीन चार पांच यहां से आगे स्टेशन सीधा 98.3 ही है। छह यहां से आकाशवाणी के स्टेशन शुरू हो जाएंगे। यहां से अलग अलग करना स्टेशंस को एक लफड़े का विषय होगा। एनीवे सात आठ नमस्कार देहरादून, नौ दस तो जानकारी पाएंगे विश्व हृदय दिवस 11 सभा चुनाव 2024 शाम 6:20 का समय नियत है। आंतरिक थे उन्होंने अपने संन्यास ग्रहण का संवाद शाम 6:30 का इंतजार करते हैं हमारे किसान भाई का, उसके सूचना देने को कहा। 12 एक आग भी थी जिस समय श्रीमन महाप्रभु नीलाचल से तेरा इनको अपने साथ तैयार हुआ 14 श्रीमन महाप्रभु ने कहा गदाधर तुमने तो क्षेत्र
17 18 19 ऑल राइट। सो क्लियरली एफएम रिसेप्शन जो है वो चैम्पियन का इसके मुकाबले बेटर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने जो लंबा एंटीना है इसका, उसका जो है एडवांटेज मिला है चैम्पियन को। और ये जो भी कंपनीज रेडियो बनाती हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, आपको विप एंटीना जो है वो प्रॉपरली रिसर्च करके आपका जो भी R&D डिपार्टमेंट होता है उनको बोलें कि एंटेना जो है वो ऑप्टिमम लेंथ का बनाया जाए। एंटेना छोटा होने से आपके रिसेप्शन में भारी गिरावट आ सकती है। सो किडोस टू फिलिप्स चैम्पियन, बधाई हो इसको। नमस्कार।